Good morning, students. Myself Hina Jangir, your social science teacher, to welcome all of you. Your first chapter of class seven social science. First of all, I hope you all are enjoying your holidays with your parents at home. Today we will start your new chapter of class seven. The subject is social science. The first chapter is Bharat or Vishw. हमने पिछली कक्षाओं में सोशल साइंस में इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की हैं। इस बार हम आपको इस चैप्टर के अंदर इतिहास का भाग और उनके व्यापारी स्थितियों के बारे में बतलाएंगे इतिहास को तीन काल में विभाजित किया गया है मध्यकाल भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं यूरोप के मध्यकालीन इतिहास की मुख्य विशेषता क्या थी तथा अरब व्यापारियों से पूर्व से किस ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया गया है आइए हम इस लेसन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इतिहास को अध्ययन करने के लिए तीन भागों में बांटा गया है प्राचीन काल मध्यकाल और आधुनिक काल इन भागों में विभाजित कैसे और किस प्रकार किया गया है इसकी आवश्यकता है कुछ बातें जानने के लिए किस देश का स्थान विशेष से मानव सभ्यता विकास की जो प्रक्रिया चलती रही थी है जिसमें जब आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं एक नए काल के आरंभ के साथ ही माना जाता है कि संक्षेप में कहें तो इतिहास को तीन कालों में विभाजित किया गया है जो मानव की प्रगति और परिवर्तन की सीढ़ियों का सोपान है महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विश्व के सभी स्थानों पर यह परिवर्तन एक ही समय पर हुए हैं यह कहा नहीं जा सकता कि भारत में मध्यकाल का आरंभ आठवीं शताब्दी से माना जाता है जबकि यूरोप के देशों का मध्यकाल आरंभ पाँचवीं शताब्दी से माना गया है भारत के मध्यकाल को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है पूर्व मध्यकाल जो आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक चला है तथा उत्तर मध्यकाल तेरहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक चला है मध्यकालीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहासों से अनेक प्रकार से भिन्न है मतलब कि डिफरेंट है मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का संपर्क एक अन्य धार्मिक मत के अनुयायियों से हुआ इस संपर्क में स्वरूप समाज में कुछ परिवर्तन आए वर्तमान काल में बोली आने वाली कुछ भाषाएं का विकास इसी काल में हुआ और विभिन्न प्रकार से वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ की लोकप्रिय हुए मीन्स उस समय इतिहास को जो बदला गया है उसके अंतर्गत बहुत सी इनकी स्थितियों में बदलाव आए हैं आर्थिक इकोनॉमिक राजनीतिक पॉलिटिकल प्रशासनिक सोशलॉज और सामाजिक सोशल क्षेत्रों में इसके अंतर्गत उनके रहन सहन खान पान वस्त्र इत्यादि वस्तुओं को भी परिवर्तन किया गया ऐसे में अनेक साधन स्रोत जो कि हमें तत्कालीन इतिहास में स्पष्ट जानकारी देते हैं तो आइए हम जानते हैं कि मध्यकाल के स्रोत कौन कौन से हैं इनको प्रमुख दो स्रोत मुख्य माने गए हैं पहले साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक है हमने पहले भी इसी के बारे में जानकारी पढ़ी पिछली कक्षाओं में तो ठीक ऐसे ही हम इस मध्यकाल के इतिहास के बारे में कुछ पढ़ेंगे मध्यकाल के साहित्यिक संसाधनों के रूप में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया वितरण तथा पुरातात्विक संसाधनों में अभिलेखों तथा तामपत्रों पर उत्तीर्ण किए गए लेखों से प्राप्त होता है